बेटी को न्याय मिला है। पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। रैपिस्ट के साथ यही होना चाहिए और जितने रैपिस्ट अभी और जो बचे हुए हैं उनको भी यही सजा मिलनी चाहिए। पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा एक्शन लिया गया है और इस एक्शन की वजह से बहुत खुश है। चाके रेप कांड के कातिलों को जो सजा दी है हकीकत में वो न्याय हुआ है। हम लगातार बने हुए हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एनकाउंटर की खबर पर। जबरदस्त पूरे देश में इन आरोपियों इन हत्यारों के एनकाउंटर पर गुस्सा है, लेकिन ये दो तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। बस सबसे कुछ ही देर में पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, हम आपको सीधे लिए चलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ उन्नाव की वो घटना है जहां पर एक लड़की को 24 से 48 घंटे जिंदगी और मौत से लड़ना है, क्योंकि ये 48 घंटे बहुत अहम हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इस बच्ची को शिफ्ट कर दिया गया है क्योंकि इससे रेप के आरोपी को जब जमानत मिली तो वो अपने दोस्तों को आया और इस लड़की को उसने जलाने की कोशिश की। 90% तक ये लड़की जली हुई है जिसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो एक तरफ तो इसकी जिंदगी और मौत की जंग है और दूसरी तरफ इसके अपराधियों को जिन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है उन्हें सजा देने की मांग उठ रही है। लेकिन पुलिस ने जो काम किया है, हैदराबाद पुलिस ने, तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद में, उसकी जमकर तारीफ हो रही है क्योंकि एनकाउंटर में उसने उन चारों आरोपियों को मार गिराया है जो रेप के आरोपी थे, जिन्हें पुलिस कस्टडी मिली थी और सीन का रिक्रिएशन करने के लिए उसे वहां लेकर पुलिस गई थी। हैदराबाद, दिल्ली, पटना, कानपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, हर जगह पुलिस की तारीफ की जा रही है, हर जगह इन आरोपियों के मारे जाने की खुशी मनाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि इंसाफ मिला है, पुलिस का अभिनंदन किया जा रहा है, पुलिस को मिठाई खिलाई जा रही है। पुलिस को नहीं, आपस में मिठाई खिलाकर एक दूसरे इस खुशी को बांट रहे हैं। लेकिन पुलिस के लिए पहली बार ऐसा देखा गया है कि नारे लगाए जा रहे हैं, पुलिस को मिठाई खिलाई जा रही है, पुलिस के पैर छुए जा रहे हैं। इन आरोपियों, इन दरिंदों, इन हैवानों के एनकाउंटर के बाद लोगों में खुशी दिख रही है जो इन छह तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। तेलंगाना पुलिस ने इनका एनकाउंटर कर दिया है, चारों को ढेर कर दिया है, मार गिराया है। हम आपको सीधे लिए चलेंगे घटनास्थल पर जहां पर मौजूद हैं सुबह से हमारे संवाददाता आशीष पांडे और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे क्राइम हेड, क्राइम एडिटर शम्स ताहिर खान है। शम्स, कैसे देखें हम इस एनकाउंटर? सही भाई, इसमें अगर पूरी चीज़ देखें तो एक अजीब, मतलब मैं अपने पूरी क्राइम रिपोर्टिंग में जो चीज़ देख रहा हूँ वो ये है कि पहली बार ऐसा है कि किसी इनकाउंटर को लेकर इस तरीके की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। हम लगातार देख रहे हैं पुलिस को फूल बरसाए जा रहे हैं, मिठाई खिलाई जा रही है। लेकिन सवाल ये है, जो सबसे गंभीर सवाल है कि क्या इंसाफ का रास्ता यही है? क्या इंसाफ इस तरीके से गोली से होगी या सड़क से होगी? लोगों का गुस्सा है, लोगों का गुस्सा जायज़ है। जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, आप पिछले सारे रिकॉर्ड उठाकर देख लें, आखिरी फांसी रेप को लेकर 2004 में धनंजय को दी गई थी कोलकाता में, उसके बाद से करीब 400,000 रेप हो चुके हैं अब तक 15 सालों में। पिछले 150,000 से ज़्यादा रेप के केसेस लोअर कोर्ट से लेकर ऊपरी अदालतों में लंबित पड़े हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोग चाहते हैं कि इंसाफ हो, इंसाफ जल्दी हो और इंसाफ जो हो रहा है वो दिखता हुआ मिले। अब ऐसे में इस वक्त जो सारी चीज़ें हुई हैं, खुशियां लोग मना रहे हैं क्योंकि माहौल ऐसा है, मूड ऐसा है, लोगों का गुस्सा है ज़बरदस्त पूरे देश में। लेकिन फिर सवाल, अभी हालांकि ये उठाना जायज़ नहीं होगा कि ये इनकाउंटर किस तरीके से हुआ। वाकई अगर वो चार भाग रहे थे और वो भाग जाते तो फिर आप तेलंगाना पुलिस की जो छींचा लेदर होती वो हम आप सोच सकते हैं। लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी क्या, हम सभी इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद तेलंगाना पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, ब्रीफ करेगी कि आखिर पुलिस हिरासत के दौरान उन्होंने सरकारी पिस्टल छीनने की कोशिश कैसे की, वहां से भागने की कैसे कोशिश की और इन तमाम चीजों में कहां कहां पे उनको गोलियां लगी। तो हम ये बातचीत तो आपसे करेंगे आशीष के पास, घटनास्थल पर आपको सीधे इस वक्त लिए चलते हैं। आशीष, कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन यहाँ इस वक्त स्थिति क्या है? क्या अभी भी लोग वहाँ मौजूद हैं? पुलिस की इस कार्रवाई से, इस एनकाउंटर से खुश हैं? क्या चल रहा है वहाँ?
शहीद, हम लोग इस समय बिल्कुल उस जगह पर हैं जहां पर यह इनकाउंटर हुआ है और आप पीछे देख सकते हैं यही वो जगह है जहां पर अभी भी चारों जो आरोपी हैं उनके शव पड़े हुए हैं। यहां फॉरेंसिक की टीम है, वो फॉरेंसिक एनालिसिस कर रही है, सारे सीनियर अधिकारी यहां पर मौजूद है, पंचनामा यहां किया जा रहा है, लैपटॉप लेकर और जेनसेट की भी व्यवस्था की गई है, यहां पर पंचनामे की कार्रवाई की जा रही है, सारी कार्रवाई यहां पर कंटिन्यूस चल रही है। मैं आपको अपने कैमरामैन के थ्रू दिखाना चाहूंगा, उनको कहूंगा कैमरा पर्सन को वो हाईवे दिखाएं जहां पर इनको पूछताछ के लिए आज तड़के लेकर आया गया था 3 से 4 बजे के दरमियान। ये वो हाईवे है जहां पर आपको भीड़ नजर आ रही है, ऊपर भीड़ बैठी हुई है, भारी संख्या में आसपास के गांव के लोग आकर हाईवे पर बैठे हुए हैं और जो इस एनकाउंटर की सूचना के बाद काफी पुलिस की तारीफ कर रहे हैं, उनके ऊपर फूलों की वर्षा की गई, उनको मिठाई खिलाई गई। यहां पर इस जो हाईवे है इसके नीचे वो जगह है जहां पर पिछले शुक्रवार को करीब 10 बजे सुबह में डॉक्टर दिशा का जला हुआ शव मिला था और उसके बाद उनकी पहचान, उस शव की पहचान डॉक्टर दिशा के शव के रूप में हुई थी। वहां से पुलिस का कहना है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं शहीद, यह पुलिस का दावा है कि अपराधी वहां से भागकर करीब 500 मीटर की दूरी तक इस झाड़ियों के सहारे पहुंच गए और यहां पर मजबूरन पुलिस को गोली चलानी पड़ी। अभी उनकी जो शव है 20 से 30 फीट के दायरे में इस येलो लाइन जो है, जो क्राइम सीन को प्रिजर्व करने की जगह की लाइन लगाई गई, मार्किंग की गई है, वहां पर वो पड़े हुए हैं। यहाँ फॉरेंसिक की टीम है गांधी हॉस्पिटल की, उसके अलावा अलग अलग पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस के कर्मी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। एक तरफ इस टेंट के नीचे जो पंचनामे की कार्रवाई, जो कागजी कार्रवाई है उसको किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो साक्ष्य इकट्ठा करने के जो की कवायद है वो चल रही है। और यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, हमने सबसे पहले आज तक ने इस खबर को बताया कि कैसे आज तड़के इन चारों जो आरोपी हैं उनका इनकाउंटर हुआ है। हमने इनकाउंटर के सर्कमस्टांसेस को लेकर आला अधिकारियों से बात की और आला अधिकारियों ने हमें बोला कि एक प्रक्रिया होती है इनकाउंटर के बाद, उस पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा और अगर कोई दोषी पाया जाता है, किसी तरह की चूक की वजह से इनकाउंटर हुआ है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। ठीक है आशीष, आप बने रहिए, जैसे पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है हम आपको सीधे वहां लिए चलेंगे। शम्स लगातार हमारे साथ रहेंगे, बेस पर उनसे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अधीर रंजन चौधरी और स्मृति ईरानी संसद में क्या कहा दोनों? एक तरफ पुरुषोत्तम मर्यादा राम जी की मंदिर बन रहे हैं और दूसरी तरफ सीता मैया को जलाए जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान की अभी असलियत है। ये मैं बताना चाहते हैं, देखिए हैदराबाद में वो आरोपियों को गोली से उड़ा दिया, जो भागने का कोशिश किया गोली से उड़ा दिया हैदराबाद पुलिस ने, और उत्तर प्रदेश की पुलिस वो जो अपराधी है उनको छूट दे दिया, उनको जमानत पर छूट दे दिया और उसके चलते उनको मौका मिला। आज एक सांसद यहाँ पर बंगाल से, मैं नाम नहीं ले रही हूँ महोदय, मंदिर का नाम ले रहे थे, एक सांसद ने हैदराबाद और उन्नाव की जघन्य घटनाओं पर अपना वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत किया, लेकिन मालदा में क्या हुआ उस पर चुप्पी साध ली, पता नहीं है तो जाके पश्चिम बंगाल का अखबार पढ़िए। जिन लोगों ने रेप को पॉलिटिकल वेपन की तरह पंचायत के चुनाव में इस्तेमाल किया, आज जाकर वो यहाँ पर भाषण दे रहे हैं। क्या उन्नाव में जो हुआ वो जघन्य अपराध है? क्या हैदराबाद में जो हुआ वो जघन्य अपराध है? क्या एक लड़की का बलात्कार करके उसको जलाना अमानवीय है? क्या उन्हें सजाए मौत होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ऐसे अपराधों पर राजनीति करना क्या इससे किसी भी विक्टिम को कोई सहायता मिलेगी? लेकिन हैदराबाद में जो हुआ, एक महिला होने के नाते, एक वकील होने के नाते मुझे लगता है कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन किया गया है। अगर जैसी करनी वैसी भरनी कोई गलत काम करेगा और उसके बाद पुलिस के हथकड़ी छोड़कर भी भागने की कोशिश करेगा, तो पुलिस को जो वेपन दिए गए हैं, जो बंदूकें दी गई हैं, वो सजाने के लिए नहीं दी है, उनका उसको इस्तेमाल करना है, तो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और कानूनी रूप के तहत उसकी FIR दर्ज होगी, NHRC को जाएगा और उसके ऊपर इंक्वायरी होगी। हम ये चाहते हैं कि जो रेप के रेपिस्ट है
उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जुडिशियल प्रोसेस जो है जल्द से जल्द कंप्लीट होना चाहिए। उनको जुडिशियल प्रोसेस के तहत फांसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए और कि कोई भी उसके साथ जो है। और हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए ये एक स्क्रीन के एक हिस्से पे जहां हम तीनों हमारे साथी लोग दिख रहे हैं आज तक के, और उसके साथ में जो तस्वीरें दिख रही हैं वो ये शमशम समझना चाहेंगे आपसे, ये वो लाशें हैं उन अपराधियों की, उन दरिंदों की जिन्हें पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया, कैसे समझें इसे? देखिए जो पूरी कहानी थी वो चेल्लापल्ली में जेल में ये बंद थे चारों, और उसकी एक वजह ये थी कि हालांकि पुलिस हिरासत मिली हुई थी इनको क्योंकि कोर्ट के जरिए पूछताछ करनी थी, लेकिन जिस तरीके से पहले दिन इनकी गिरफ्तारी के बाद हैदराबाद में गुस्सा भड़का, लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने कहा कि इनको हवाले कर दिया जाए, वो खुद सजा देंगे, तो इनकी सुरक्षा पुलिस के लिए एक बड़ा मसला था और इसीलिए इसको चेल्लापल्ली जेल में रखा गया ताकि वहां पर कम से कम ये सुरक्षित रह सकें। रात को जब इनको लेकर जाया गया उसके बाद अलग अलग वो टोल प्लाजा पे जो पार्किंग थी वहाँ पे पहले चेक करना था कि उन्होंने क्या कुछ कहा, उनकी कहानी, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, आपको सीन ऑफ क्राइम को जोड़ना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें उन्हीं आरोपियों के जरिए उनको जानना था कि यहाँ कितने बजे थे, कितना वक्त लगा, जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं कि नहीं, अदालत में आगे चलकर मुकदमे में ये सब अहम चीज़ें होती है। यहाँ पे एक चीज़ और नहीं आई है वो ये कि जब इनको मौका वारदात जो पुल की बात हम कर रहे हैं जहाँ पे इस वक्त कैंप लगा हुआ जो हम देख रहे हैं उसके नीचे जिस जगह पे 28 नवंबर की सुबह लाश मिली थी 10 बजे उस जगह पर जब ये पहुंचते हैं तब जो पुलिस के आला अफसरों ने अलग से बताया उनका ये कहना था कि इनके हाथ खुले हुए थे, कोई हथकड़ी नहीं थी इनके हाथों में, और क्योंकि पुलिस को उम्मीद भी नहीं थी कि ये कुछ ऐसा करेंगे, और जो पुलिस का स्टेटमेंट है वो ये है कि तभी अचानक उन्होंने उनमें से एक ने पहले एक पहल की, एक पुलिस वाले के जो हथियार है वो छीनने की कोशिश की, तब तक तीन और भागे, फिर ये भागे और करीब 500 मीटर इनका कहना है जो पुलिस ने क्लेम किया तेलंगाना की 500 मीटर के करीब ये लोग भागे, फिर पुलिस इनके पीछे भागी, फिर फायरिंग हुई। जाहिर सी बात है उन लोगों के पास कोई हथियार नहीं था क्योंकि ऑलरेडी पुलिस हिरासत में थे, तो हथियार की कोई बात हो ही नहीं सकती, और उस भागने के दौरान में ये गोली चली और उसके बाद फिर इनकी मौत हुई। और ये जो लाशें हैं अलग अलग जगहों पे, इसका मतलब है कि जो पुलिस की थ्योरी है कि ये भाग रहे थे और वैसे वैसे गोली चल रही थी, तो जाहिर सी बात है एक साथ एक जगह पे लाशें नहीं मिलेंगी, 20-30 मीटर के आगे पीछे लाशें मिलेंगी। सबसे अहम अब ये है कि जिसमें हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं, इसमें NHRC भी है, जांच तो होनी है, इसमें जुडिशियल इंक्वायरी होती है हर एनकाउंटर को लेकर। अब यहाँ पे पोस्टमार्टम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, इसलिए कि गोली कहाँ लगी, कितनी दूरी से लगी, कितनी दूरी से मारी गई, किस किस जगह पे लगी, कमर के नीचे के हिस्से में कितनी गोलियां लगी, कमर के ऊपर कितनी लगी, ब्लैंक रेंज से तो गोली नहीं मारी गई, क्योंकि ये सारी चीज़ें बताती हैं कि ये जेन्युइन एनकाउंटर था या फिर ये फेक एनकाउंटर था, तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो गोलियां हैं वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी और वो ये साबित करेंगे कि इस एनकाउंटर की सच्चाई है क्या। तो अभी वो पोस्टमार्टम चल रहा है और शायद इसी वजह से तेलंगाना पुलिस ने अपना जो ब्रीफिंग है मीडिया की वो अभी टाली है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इनिशियली जो रिपोर्ट है वो आ जाएगी और उसके बाद ये क्लियर होगा कि फिर पुलिस अपना जो वर्जन है उनका पूरा, जो जाहिर सी बात है पूरा देश सुनना चाहता है कि एक्चुअल में 3:30 से बजे से लेकर 4 के दरमियान सुबह आज क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि एक दूसरी ये भी है कि पुलिस हिरासत में रहते हुए अगर ये भागने की कोशिश करते हैं तो क्या तेलंगाना पुलिस पूरी तैयारी के साथ नहीं गई थी, क्या उनके पास पूरा फोर्स नहीं था, ये सारी चीज़ें थोड़ी देर के बाद जब ये ब्रीफिंग होगी, जाहिर सी बात उसमें सवाल भी पूछे जाएंगे, हमारे सामने होगी। सही, एक बार फिर से आशीष के पास आपको लिए चलते हैं। आशीष, पुलिस सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ये सारी बात बताएगी क्या हुआ था जो शम्स बता रहे हैं इस वक्त, लेकिन आशीष हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? आशीष नहीं, आशीष तक हमारी आवाज़ नहीं यहाँ पर जा पा रही है, लेकिन फिर से हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देश भर में। आशीष एक बार फिर से तस्वीरें दिखाकर बताइए क्या तैयारियां चल रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या हो रहा है अभी वहां पर। सईद, हम इस समय बिल्कुल उस घटना स्थल पे है, यहाँ पर थोड़ी आफादाफी हो रही है, पुलिस को जो आम पब्लिक यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रही है उनको मैनेज करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, काफ़ी यहाँ पर उनको मीडिया का भी भारी जमावड़ा है, यहाँ पर मुश्किल हो रही है। पीछे यही वो जगह है, आप वो येलो लाइन जो देख रहे हैं क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करने की जो जगह है वहाँ पर वो येलो लाइन के पास वो डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं और उनको वहाँ पर फॉरेंसिक टीम है गांधी हॉस्पिटल की, वो फॉरेंसिक टीम आप येलो कलर के
एमएलए कलर के जो कोर्ट में है वो फॉरेंसिक के लोग हैं, वो यहाँ पर उन सारे लोगों को के मरने के बाद की फॉरेंसिक एनालिसिस कर रही है, पंचनामे की कवायद चल रही है इन लैपटॉप पे। यहाँ पे एक जेनसेट भी लगाया गया है, डीसीपी प्रकाश रेड्डी हैं यहाँ पर, उसके अलावा कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद बैठे हुए हैं, वो पूरे घटनास्थल पर सुबह से ही मौजूद हैं और सारी अपनी निगरानी में सारे पंचनामा और सारे फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्शन को पूरी की कार्रवाई को पूरी की जा रही है। यहाँ पर डीसीपी हैं माधापुर के, वो मौजूद हैं, डीसीपी के या टास्क फोर्स मौजूद हैं, सारे लोग सारे आला अधिकारी मौजूद हैं, यहाँ भारी जमावड़ा है। अब मैं यहाँ पर आपको पूरे घटना कैसे जो जगह है वो बताने की कोशिश करूंगा, आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि वो दिखाएं। लोग काफी अब घटनास्थल तक आ रहे हैं, बड़ी सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए हैं जब से इनको जानकारी मिली है कि ऐसी इनकाउंटर में इन चारों आरोपियों को मार गिराया है पुलिस ने। पुलिस को काफी तारीफ भी लोकल्स ने किया, काफी उनको तारीफ की, लेकिन अभी भी अहम सवाल है कि किस किन परिस्थितियों में यह इनकाउंटर हुआ है। जब हमने ये सीधा सवाल आला अधिकारियों से पूछा कि किन परिस्थितियों में ये इनकाउंटर हुआ और अगर कोई चूक थी क्या ये जो भागने की कोशिश कर रहे थे तो क्या सुरक्षा को लेकर कोई चूक थी, क्या इनके साथ पूरी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद नहीं थी, और कैसे चार निहत्थे भागने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जरूर इस एंगल पे भी जांच होगी और उसके और वो साइबराबाद कमिश्नर पुलिस खुद मीडिया से मुखातिब होंगे और सारे जो क्वेश्चन है ज्यादा जो सवाल हैं जो उमड़ रहे हैं इस इनकाउंटर के बाद उसको उसकी जानकारी देंगे। लेकिन अभी हम जो घटनास्थल है जो ग्राउंड जीरो है यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है लोगों को रोकने के लिए, क्राइम सीन को प्रिजर्व करने के लिए। सुबह से ही क्राइम सीन को प्रोटेक्ट किया गया है और काफी इंपॉर्टेंट है ये घटनाक्रम है। पिछले शुक्रवार को डॉक्टर दिशा का शव मिलता है और इस शुक्रवार को जो आरोपी हैं, चार आरोपी हैं, उनका शव अब हम दिखा रहे हैं। तो ये जो एक सप्ताह का जो घटनाक्रम है, किन परिस्थितियों में किस कैसे ये एनकाउंटर हुआ, इसके सारे सवाल जो है उनका जवाब आशीष, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आशीष शम्स बोल रहा हूँ, लगभग 10 घंटे होने को आए हैं, 10 घंटे पहले एनकाउंटर हुआ था और अभी भी जो स्पॉट है आपका जो मौका है वारदात है वहां पे ये लाशें पड़ी हुई, फॉरेंसिक की टीम आई है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पोस्टमार्टम के लिए किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पुलिस इन लाशों को नहीं ले गए और यहां पर रखने का क्या मतलब या मकसद है? यहाँ पर अभी फॉरेंसिक एनालिसिस हो रही है, जो क्राइम सीन से फॉरेंसिक एविडेंस है उसको इकट्ठा किया जा रहा है, बॉडीज कितनी दूरी पे पड़े हैं, बुलेट्स कितनी दूर पे मिले हैं, उन सब चीजों को की एनालिसिस हो रही है और उनको कलेक्ट किया जा रहा है। बॉडीज यहां से थोड़ी देर में, जो कि हमें जानकारी मिल रही है, करीब आधे घंटे के अंदर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए महबूब नगर के जिला अस्पताल में ले जाया जाएगा, जो यहाँ का नजदीकी जिला है और नजदीकी अस्पताल है महबूब नगर का अस्पताल, वहां पर डेड बॉडीज को ले जाया जाएगा और वहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी की जाएगी। अभी सुबह से लेकर अभी तक यहाँ पर पंचनामा, फॉरेंसिक एनालिसिस, स्पॉट की किन परिस्थितियों में इनकाउंटर हुआ, क्या जो इनकाउंटर की बात पुलिस टीम कह रही है उसके दावे में सच्चाई है, और उस दावे में सच्चाई है तो उस दावे को पुख्ता तौर पे, कानूनी तौर पे उसको पुख्ता करने के लिए यहाँ पे फॉरेंसिक एनालिसिस हो रही है। हमने देखा है कि कैसे अलग अलग पुलिस स्टेशन के जो आला अधिकारी हैं जिनको क्राइम सीन प्रोटेक्शन का और क्राइम सीन से एविडेंस कलेक्ट करने का एक्सपर्टीज है, वो यहाँ पर पास आते हैं और आपसे बात करेंगे। इस वक्त राजघाट भी आपको सीधे लिए चलते हैं। अभिषेक आनंद हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, स्वाति बालीवार लगातार धरने पर बैठी हुई हैं, क्या चल रहा है अभिषेक वहां राजघाट पर? जी देखिए सईद, इस वक्त यहाँ पर तमाम लोग जुटे हुए हैं क्योंकि मनीष सिसोदिया भी आ चुके हैं पीछे स्टेज पर, साथी मनवाल से मिल रहे हैं, अभी वो नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं तमाम दिल्ली के कोनों से महिलाएं आई हुई हैं, हैदराबाद की रेप के उसके बाद जो हुआ, जो एनकाउंटर हुआ उसको लेकर के महिलाओं का कहना है ये सही हुआ, लेकिन अब डिमांड है कि निर्भया के जो रेपिस्ट हैं जो 7 साल से बने उनको फांसी क्यों नहीं? मैम आप बताइए, 7 साल हो गए हैं, अब आप लोग की ये डिमांड है कि तुरंत उनको फांसी दी जाए, इतना वक्त लग रहा है, क्यों आप लोग बैठी हैं? जो ये हरकतें कर रहे हैं उनको फांसी दे, और पहली बात तो सबसे पहले पुलिस वालों को कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए जो भी, क्योंकि रेपिस्ट से ज्यादा पुलिस वाले नहीं सुनते हैं हमारी बातें या कोई भी हो, क्योंकि जो ये रेप कर रहे हैं वो नहीं, पुलिस वाले अगर सही काम करेंगे तो रेप ही नहीं होगा।
और मैं चाहती हूँ कि जो ये काम करे उनको सख्त से सख्त सजा हो। आपके हिसाब से हैदराबाद में जो इनकाउंटर हुआ वो ठीक है? सही है, और मतलब इसको अच्छा करा जाए, इस काम को और करा जाए जी। आप बताइए मैम, आप भी आई हैं काफी दूर से यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए, क्या डिमांड है? हमारी डिमांड यही है कि रेपिस्टों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। जो 6 महीने का स्वाति मैम ने कहा है, हम उसके साथ है। एक्चुअली क्या है, इंडियन लॉ जो है, जो हमारा जस्टिस है, वो बिल्कुल भी वक्त पे नहीं मिलता है। यही एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग रेप जैसा क्राइम करने पे बिल्कुल भी नहीं सोचते, क्योंकि उनको पता है कि वो कुछ भी करेंगे बहुत लंबी रोटी उनको जेल में तोड़ने का मौका मिलेगा। तो लॉ बदलना बहुत जरूरी है, और हमारा डिमांड बस यही है कि आप लॉ चेंज करो और जो लॉ बन चुके उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करो, और पुलिस को पूरा सपोर्ट हमें मिलना चाहिए। पुलिस वर्दी पहन के खड़ी हो जाती है, कुछ करती नहीं है। तो हमारा वही कहना है कि लॉ बनाओ और जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करो। हैदराबाद में जो हुआ उसके समर्थन में हैं ये लोग, जिस तरह से इनकाउंटर हुआ, लेकिन ये भी कह रहे हैं यहाँ पर, ये सही ये सोचने वाली बात है कि जब महिलाएं दिल्ली में आकर के कह रही हैं कि पुलिस को जो करना चाहिए असल में वो नहीं कर रही है, थानों में कंप्लेन नहीं ली जाती है। सही, बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका। तो ये स्वाति मालीवाल का जो धरना था वहाँ पर लोग हैं, और वो भी खुशी तो इस बात की सभी को है, लेकिन देश भर से जो तस्वीरें आ रही हैं शम्स, और ये जो दूसरी तरफ ये तस्वीर है, यहाँ आपको लगता है कि अब जो पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो वही थ्योरी जो आशीष बता रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, वही होगा, या हमें कुछ और भी देखने सुनने को मिल सकता है? देखिए फॉरेंसिक, जैसा कि अभी आशीष ने बताया, जिस तरीके से सारी जांच हो रही है, पुलिस की टीम पुख्ता कर लेना चाहती है कि जो कुछ है वो सारा सामने जब आए, मीडिया से भी सवाल जवाब होगा और पुलिस के ऊपर भी सवाल उठेंगे कि उनकी हिरासत में इस तरह की चीज़ें कैसी हुई, तो हर एक चीज़ का जवाब देना होगा पुलिस को। और ये सिर्फ ये इस इनकाउंटर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, देश में जितने भी आज तक इनकाउंटर हुए उसका इतिहास उठा के देखें, हर इनकाउंटर जो है वो शक के घेरे में होता है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इसके लिए एक जजमेंट पास कर रखा है, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होती है, जो लोग इनकाउंटर की टीम में शामिल होते हैं हर एक से पूछताछ होती है, अलग अलग लेवल पे होती है, अलग अलग एजेंसियां करती हैं, और इनको देखते हुए ये पुलिस अपनी तरफ से पूरी तेलंगाना की पुलिस तैयारी करेगी। ये जो शाबाशी है और बाकी चीज़ें हैं ये अलग की बात है, अगर आप खुद जो इस इनकाउंटर की टीम में शामिल है पुलिस वाले, अगर आप उनसे पूछिए कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, तारीफ का काम किया, तो शायद वो खुद तारीफ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि उन्हें मालूम है कि ये एक इनकाउंटर है, और जिस हालात में हुए, अगर वो भागने की भी कोशिश कर रहे थे तो ये है कि उनकी टीम उस वक्त उनको पकड़ नहीं पाई, या हो सकता था वो भाग जाते तो फिर क्या होता। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी देर के बाद क्लियर होंगी, लेकिन इस जो देश में, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि जो मूड है लोगों का, जिस तरीके से इस एक इनकाउंटर पहली बार शायद है देश के इतिहास में कि किसी इनकाउंटर को लेकर लोग खुशियाँ मना रहे हैं, इस इनकाउंटर से पहले जो तमाम इनकाउंटर हुए उन पर उंगलियाँ उठी, बट सवाल आखिर में ये आ जाता है कि क्या इंसाफ इस तरह सड़कों पर होगा, क्या गोलियों से इंसाफ होगा? और ये इसलिए है कि गुस्सा लोगों में जुडिशियल सिस्टम को लेकर है, जिस तरीके से फैसले आने में सालों बरसों लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये गुस्सा उनका फिर जायज़ हो जाता है। वो जो इंस्टेंट फैसले की बात करते हैं, वो जो कहते हैं कि अगर आपने रेप किया तो तुरंत फांसी दे दिया जाए, और विभिन्न तरीकों पर भी बात हो रही है, तमाम देशों में जो कानून है रेप के दोषियों को सजा देने के, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसी पर हम आपसे और शम्स आगे बात करेंगे, लेकिन हम जल्दी से आपको बताएं, दिखाएं कि आखिर कैसे ये पूरा एनकाउंटर हुआ, कैसे पुलिस ने इन चारों आरोपियों को मार गिराया है, क्योंकि ये एक रिक्रिएशन करने के लिए, सीन को रिक्रिएट करने के लिए पुलिस ले गई थी, और रात के वक्त पुलिस लेकर गई थी इन लोगों को, इन आरोपियों को, और ये एनकाउंटर तब उसने किया, क्योंकि पुलिस का एक काम होता है कि जहां जो घटना घटी है उस घटना पर ले जाकर उसे रिक्रिएट किया जाए, ताकि जिस तरह से शम्स अभी बता रहे थे कि आरोपी जो हैं पुलिस के सामने जो बयान दे रहे हैं, अदालत में जो बयान दे रहे हैं उसमें कोई विरोधाभास ना हो, उसमें वो पलट ना जाए अपने बयान से, और पुलिस भी पुख्तगी कर लेना चाहती है, पुलिस भी अपने आप को मजबूत कर लेना चाहती है, सबूतों को इकट्ठा कर लेना चाहती है। लेकिन जब पुलिस इन्हें यहाँ लेकर गई और जब रात में लेकर आई, तो विभिन्न वो स्थान थे जहां पर स्कूटी रोकी गई, उसके बाद नेशनल हाईवे 44 से कुछ दूरी पर एक ट्रक ड्राइवर खड़ा था, उस ट्रक ड्राइवर ने आकर जो पहला आरोपी था उसने महिला को वेटनरी डॉक्टर को मदद की बात की है, और उसके बाद पुलिस पर इनमें से चार में से रिक्रिएशन के दौरान एक ऐसा आरोपी था जिसने पुलिस पर हमला किया, पुलिस एक पुलिस वाले का हथियार यानी कि पुलिस छीनने की कोशिश की, जब वो हथियार छीन रहा था तो उसके जो तीन साथी थे वो भागने लगे, तीन साथी भागे, इसने हथियार छीनने की कोशिश की, नहीं कामयाब हो पाया, ये भी भागा, 500 मीटर तक गए, खेत था, खेत में इन्हें खो जाने का डर था, क्योंकि खेत में दूर तक जा सकते थे, कहीं छुप सकते थे, तो मजबूरन पुलिस का ये कहना है कि हमें गोली चलानी पड़ी, और इस तरह से
ये जो एनकाउंटर हुआ इस तरह से मारा गया। तो मेनका गांधी, जया बच्चन जो महिला सांसद है, वो क्या कहती हैं, जल्दी सुनिए। दे रहा है बहुत देर आए। नहीं, ये सही नहीं है। हम सब लोगों ने मांग की थी कि इनको डेथ पेनल्टी दिया जाए और डेथ पेनल्टी इनको ज़रूर मिलती, लेकिन वो जो कानून के नीचे करना चाहिए वही करना चाहिए। ये जो इनकाउंटर्स हैं ये बहुत खतरनाक है पूरे देश के लिए। कहाँ ले जा रहे थे कि वो भागने की कोशिश करें? आखिर वो थाने में थे, जेल में थे, कहाँ ले जा सकते थे चारों के चारों? हैदराबाद में जो पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है वो सराहनीय है। जो पूछताछ के लिए आरोपियों को वहाँ लेकर गए थे लेकिन वो भाग रहे थे, उन्होंने एनकाउंटर में उनको मार गिराया। और मैं समझती हूँ कि जो निर्भय कांड है, यदि पुलिस थोड़ी सख्ती बरतती तो बहुत पहले उनके परिवार के लोगों को न्याय मिल सकता था। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश में एक जिले की बात नहीं है, रोजाना किसी न किसी जिले में, रोजाना हर जिले में घटनाएं होती हैं। जो एनकाउंटर हुआ पूरे देश में, उसकी वजह से लोग बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं और संतोष जाहिर कर रहे हैं, लेकिन ये भी चिंता का विषय है कि जिस तरह से लोगों का पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से भरोसा उठ गया है, तो हम सब लोगों को, पूरे देश को और समाज को मिलके इस बारे में चिंतन करना पड़ेगा और सभी सरकारों को मिलके इस पे तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा।